हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 20 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को पहले से पता था, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा। और देखिए, आज का हमारा टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय, और इसके अंतर्गत हमने दोस्तों क्लास 10th में और भी कई सारे टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे अंत एवं बहिर्स्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, और कौन सी ग्रंथि दोस्तों कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा एंजाइम छोड़ता है, और इनके क्या कार्य होते हैं, ठीक ना, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक ना, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ये टॉपिक दोस्तों आपका सिलेबस में भी दिया गया है, इसलिए दोस्तों मैंने आपसे जो है ना कई बार कहा है कि पहले आप लोग सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है उसको कंप्लीट कीजिए, देन उसके बाद आप जो है आउट ऑफ सिलेबस तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है जो सिलेबस में टॉपिक दिया गया है उसी से पूछे जाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, ठीक ना, जो कि कई शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए थे प्रीवियस ईयर 2023 और 2022 में, उनमें जो पूछे गए थे। तो इन आज का हमारा जो क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, ये इन्हीं टॉपिक्स रिलेटेड है, और आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, और ये दोस्तों हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि दोस्तों ये अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, ठीक ना, और ये जो है हमारे शरीर की वृद्धि को भी नियंत्रित करता है, क्योंकि दोस्तों ये जो है ना एक वृद्धि हार्मोन भी रिलीज करता है, ठीक ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, इसका जो वजन होता है ये 0.6 ग्राम होता है, ये मटर के दाने के समान होता है, और ये हमारे दोस्तों ब्रेन में स्थित होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के पास में। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये होता है पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है, और ये होता है हाइपोथैलेमस जो उसके पास में ही होता है स्थित। देखिए सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, गिगेटिज्म किस हार्मोन की अधिकता से होती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों एसटीएच, ठीक ना, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक ना, एसटीएच का फुल फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है व्याख्या में, एसटीएच की अधिकता से बच्चों में शरीर की अतिवृद्धि होती है, जिससे शरीर बहुत लंबा व विशालकाय हो जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन हार्मोन निम्न में से किसे कहा जाता है, मतलब कि ये हमारी विपरीत परिस्थितियों में हेल्प करता है ये हार्मोन, ठीक ना, हमारे शरीर की। तो देखिए क्या कहा गया है, एड्रीनालिन हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से आपातकाल समय में उत्पन्न होता है। यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्लीज इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। उत्पन्न करता है, इसे फियर ऑफ फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, ठीक ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। देखिए आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंघा रोग होता है, जिसे हम इंग्लिश में ग्वाइटर कहते हैं, ठीक ना, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास हेतु आवश्यक हार्मोन कौन सा है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है। अब दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा इसमें से मानव हार्मोन नहीं है। तो देखो गाइस, यहाँ पर क्या है ना, हार्मोन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों पादप हार्मोन, जो कि जिसे हम इंग्लिश में प्लांट हार्मोन कहते हैं, जो कि ये पेड़ों में पाया जाता है, और एक होता है दोस्तों मानव हार्मोन, जो कि मानव में पाया जाता है। तो कौन कौन से मानव हार्मोन होते हैं और कौन कौन से जो है प्लांट्स हार्मोन होते हैं, ये एक बार हम देख लेते हैं, तब हमें अच्छे से कन्फर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद किसी भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ ले जाए हम बता देंगे। देखिए दोस्तों, हार्मोन क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, ग्रंथियां क्या होती हैं, ये कुल कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा एंजाइम रिलीज करता है, ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, उसके बाद दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे, जो कि और अच्छे से हमें समझ में आएगा इसे समझने के बाद, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों आप ग्रंथि के बारे में समझिए। तो हमारे जो शरीर है ना, मानव शरीर में दोस्तों कुल तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक होता है दोस्तों बहिर्स्रावी ग्रंथि, जिसे हम इंग्लिश में एग्जोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अब इनके क्या कार्य होते हैं, ये क्या छोड़ता है, हार्मोन छोड़ता है या एंजाइम, ये भी हम समझेंगे। पहले आप इनके कुल तीन प्रकार समझिए। पहला होता है दोस्तों बहिर्स्रावी ग्रंथि, जिसे हम इंग्लिश में एग्जोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, और ये दोस्तों ये जो है ना
हमारे शरीर में मतलब कि डक्ट के माध्यम से, नलिकाओं के माध्यम से एंजाइम छोड़ता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है ये एंजाइम छोड़ते हैं या हार्मोन, तो ये एंजाइम छोड़ते हैं। ठीक ना, और ये नलिका के माध्यम से जो है अपना एंजाइम जो है अपने स्थान पर पहुंचाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी ग्रंथि होते हैं, इनके क्या कार्य होते हैं, ये भी हम समझेंगे। ठीक ना, अब देखिए दूसरा जो प्रकार होता है ग्रंथि का, ये होता है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक ना, अब दोस्तों इनका क्या कार्य होता है, तो ये जो है ना ये डक्टलेस होते हैं, इनमें कोई नलिका नहीं होती है ये जो है ना। और ये एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या छोड़ती है, तो अंतःस्रावी जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये दोस्तों हार्मोन छोड़ता है, और कहाँ, तो ये डायरेक्ट रक्त में। ठीक ना, क्योंकि इसमें नलिका नहीं होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, दो प्रकार की ग्रंथि। और तीसरा है दोस्तों मिक्स ग्लैंड, जिसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो अग्नाशय जो है ना, पेनक्रियास, ये दोस्तों मिश्रित ग्रंथि है। ठीक ना, मतलब दोनों प्रकार इसमें मिला होता है, जो कि एंजाइम और हार्मोन दोनों छोड़ता है। ठीक ना, तीसरी प्रकार की जो ग्रंथि है उससे हम क्या कहते हैं, अग्नाशय ग्रंथि, जिसे हम इंग्लिश में पेनक्रियास कहते हैं। और ये दोस्तों मिक्स ग्लैंड है। ठीक ना, ये हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ सकते हैं। अब देखिए जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए एक होता है हाइपोथैलेमस, दूसरा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सभी जो है ना अंतःस्रावी ग्रंथि में आता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है, तो आपको आप बता सकते हैं ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स है। ठीक ना, ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है, तो ये जो है इंडोक्राइन। ठीक ना, पेनक्रियाज, अब पेनक्रियाज यहाँ पर क्यों दे रखा है अंतःस्रावी ग्रंथि में, क्योंकि ये अंतःस्रावी में भी आता है और बहिर्स्रावी में भी आता है और मिश्रित में भी आता है, तीनों में आता है। ठीक ना, आप आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अंतःस्रावी ग्रंथि कितने होते हैं ये आप लोग देख लीजिए। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत ये सारी ग्रंथि आ जाती है, पीनियल ग्रंथि आ जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि आ जाता है जिसे हम पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, थायराइड ग्रंथि आ जाता है, थायमस ग्रंथि आ जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि आ जाता है, अग्नाशय आ जाता है। तो इनके क्या कार्य होते हैं और ये क्या छोड़ते हैं, तो देखिए एक चीज तो हमें पता चल ही गया है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये क्या छोड़ते हैं, हार्मोन छोड़ते हैं, और बिना ये डक्ट वाले नहीं होते, डक्टलेस होते हैं। ठीक ना, और ये अपना जो उत्पाद है हार्मोन डायरेक्ट ये जो है हमारे रक्त में छोड़ते हैं। ठीक ना, जैसे यहाँ पर आप लोग पढ़े भी होंगे, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, इससे हार्मोन का स्राव होता है, यह हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ठीक ना, अब एक क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि थायराइड ग्रंथि क्या छोड़ता है, पिट्यूटरी ग्रंथि कौन सा हार्मोन छोड़ता है, अधिवृक्क ग्रंथि कौन सा हार्मोन छोड़ता है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड हम एग्जाम में क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो करेंगे। ठीक ना, देखिए यहाँ पर ये बहिर्स्रावी ग्रंथि, अब ये कुल कितने प्रकार के होते हैं ये भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। पहला तो ये हो गया, इनका कार्य आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक ना, उसके बाद देखिए ये कहाँ पर होता है, लैक्रिमल जो ग्रंथियाँ होती है ये कहाँ पर होता है, ये बहिर्स्रावी ग्रंथि है। ये देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये है, और इनका क्या कार्य होता है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हैं। देखिए यहीं पर आप लोग डायरेक्ट समझ लीजिए, देखिए जो बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है ये कौन कौन से होते हैं, तो लैक्रिमल हो गया जिसे आश्रु ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक ना, आंसू जो है ये यही छोड़ता है, लैक्रिमल ग्रंथि। उसके बाद एक श्वेत ग्रंथियाँ होता है, उसके बाद लाल ग्रंथियाँ होता है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा इनका क्या कार्य होता है एक बार थोड़ा सा ये समझ लेते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथियों का। तो देखिए उसके बाद अग्नाशय, ये बहिर्स्रावी ग्रंथि में भी आ जाता है। देखिए इनका क्या कार्य है यहाँ पर आप लोग पढ़िए। देखिए आपका अग्नाशय आपके पाचन पथ का एक अंग है या आपके पेट के पीछे की ओर स्थित होता है, और ये एक छोटी खोखली नली के माध्यम से आपकी छोटी आंत से जुड़ा होता है जिसे अग्नाशय डक्ट कहा जाता है। अग्नाशय के दो मुख्य कार्य हैं, पाचक रस अग्नाशय डक्ट के माध्यम से आपकी छोटी आंत में प्रवाहित होते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग समझिए, अग्नाशय कशेरुकी जीवों की पाचन व अंतःस्रावी प्रणाली का एक ग्रंथि अंग है, ये इंसुलिन। हाँ, एक एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि जो है ना ये कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, तो ये इंसुलिन भी छोड़ता है, ग्लूकागोन भी छोड़ता है। अब देखिए ये पेनक्रियाज जो है ना, ये अग्नाशय ग्रंथि ये हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित होता है, तो ये दोस्तों लीवर के नीचे स्थित होता है। देखिए पेनक्रियाज हिंदी में से हम अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये जो आकार आप देख रहे हैं ये पेनक्रियाज का ही है। ठीक ना, और इसके ऊपर लीवर होता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग दोस्तों हमारी त्वचा है, हमारी स्किन है, और उसके बाद जो है ना दूसरा वो है हमारा लीवर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये ऊपर वाला हमारा लीवर है और ये हमारा पेनक्रियास है। ठीक ना, ये वाला। अब यहाँ पर देखिए आप लोग दोस्तों, प्लांट्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं।
ठीक ना, देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए और इनका क्या कार्य होता है, तो यहाँ पर आप लोग बस देख लीजिए और इनको लिख लीजिएगा, ठीक ना। पहले हम क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आप लोग इसे जो है याद कर लीजिएगा। बस ऊपर ऊपर से आप लोग याद कर लीजिए, जो पादप हार्मोन होते हैं, प्लांट्स हार्मोन होते हैं, ये होते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिकम्ल और एथिलीन, ठीक ना। ये चार पांच प्रकार के जो है ये पादप हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है? तो देखो गाइस, अभी हमने पढ़ा ऑक्सिन, ये एक प्लांट हार्मोन है, ये मानव हार्मोन नहीं है। बाकी सिक्रेटिन, इंसुलिन और एड्रेनालिन, ये सभी जो है मानव हार्मोन है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय हो जाती है, ठीक ना, सक्रिय होती है, एक्टिव हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है और एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो एड्रिनलिन, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और लैंगरहैंस उपद्वीप पाए जाते हैं। अब दोस्तों उपद्वीप क्या ये आखिर ये है क्या, क्या ये वास्तव में उपद्वीप होते हैं? तो ये दोस्तों ये जो है ना एक प्रकार के हार्मोन का नाम है जो कि पेन क्रियाज रिलीज करता है, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका सही आंसर होगा पेन क्रियाज में, लैंगरहैंस उपद्वीप जो है ना ये पाए जाते हैं पेन क्रियाज में। सॉरी दोस्तों, लैंगरहैंस उपद्वीप जो है ना ये पेन क्रियाज अग्नाशय ग्रंथि में पाए जाने वाले एक प्रकार के कोशिका का नाम है, ठीक ना, सेल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, देखिए आ गया ना, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है यह है पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है, डक्टलेस है, जिसमें डक्ट नहीं होता, जो अपना उत्पाद, जो अपना हार्मोन डायरेक्ट जो है रक्त में छोड़ता है, ठीक ना। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये क्या रिलीज करता है, हार्मोन रिलीज करता है। तो कहाँ रिलीज करता है, डायरेक्ट हमारे रक्त प्लाज्मा में, ठीक ना, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये क्या है, डक्टलेस होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि होता है दोस्तों यकृत, ठीक ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक ना, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। अब दोस्तों कौन सा ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, इससे रिलेटेड जो है ना एक और क्लास मैं आपको करवाऊंगा, उसमें जो है ना बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बस क्वेश्चंस करवा देता हूँ इस वीडियो में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है, मतलब ग्लैंड नहीं है? तो देखो गाइस, थायराइड ये ग्रंथि है, यकृत भी एक ग्रंथि है और अग्नाशय भी एक ग्रंथि है, जठर नहीं है, ठीक ना, ये तो रस है जो कि हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है। अब दोस्तों कौन सा जो है अंतःस्रावी ग्रंथि और कौन सा बहिःस्रावी ग्रंथि, ये तो आपको ऑलरेडी पता चल ही गया है, ठीक ना। तो उनके कार्य भी करेंगे और फिर से जो है थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है? तो अभी हमने पढ़ा दोस्तों अग्नाशय, ठीक ना, पेनक्रियाज ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हमें संकट अवस्था में संघर्ष अथवा पलायन के लिए तैयार करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि, ठीक ना, एड्रिनल ग्लैंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये है दोस्तों ग्वाइटर, जिसे हम घेंगा रोग कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। और ये जो ग्वाइटर रोग है ना दोस्तों, ये थायराइड ग्रंथि में होता है आयोडीन की कमी से, इसमें हमारा जो गला है ये सूजन, इसमें बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है। नारी विकास हार्मोन होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? इंसुलिन, तो देखो गाइस, अग्नाशय ग्रंथि कौन कौन से मतलब कि हार्मोन और एंजाइम रिलीज करता है, तो आपको पता है अग्नाशय ग्रंथि जो है इंसुलिन स्रावित करता है, ग्लूकागोन भी रिलीज करता है, ठीक ना। तो इंसुलिन जो है ना ये क्या है, इंसुलिन हार्मोन है, ठीक ना, आपको पता होगा पहले भी। तो इंसुलिन जो है ये एक हार्मोन है, ठीक ना। कौन सी ग्रंथि, तो अग्नाशय रिलीज करता है। निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? देखिए आ गया ना यहाँ पर, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो बहिःस्रावी ग्रंथि होगी। तो देखो गाइस, पिट्यूटरी तो अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये हमें पता चल गया है, एड्रिनल ग्रंथि भी, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और थायराइड भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यकृत जो है ना ये बहिःस्रावी ग्रंथि है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये सभी जो है ना अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक ना,
अब इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा तंत्रस्रावी ग्रंथि है कौन सा नहीं है, ऐसे पूछेंगे क्वेश्चंस। तो याद कर लीजिएगा, पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक ना, अग्नाशय ग्रंथि, ये सभी जितने भी आप देख रहे हैं ये क्या है, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये सभी बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक ना। और अंतःस्रावी ग्रंथियों के क्या कार्य हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में शो कर देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम समझेंगे। अभी इसलिए मैं आपको शो कर देता हूँ सो डेट अभी आप लोग जो है थोड़ा पढ़ लेंगे, उसके बाद ध्यान से जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। ये सभी जो आप देख रहे हैं ये बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक ना। और यहां से आपका स्टार्ट होता है कौन सा, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक ना। और इनके क्या कार्य हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रिलीज करता है। अब कौन कौन से करता है ये भी पता होना चाहिए, पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, पीनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ठीक ना। उसके बाद थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये हमारे शरीर को किस प्रकार हेल्प करता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद पैराथायरॉयड जो ग्रंथि है ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये हमारे शरीर को किस प्रकार से हेल्प करता है, अग्नाशय ग्रंथि किस प्रकार से हेल्प करता है, ठीक ना। अधिवृक्क ग्रंथि का क्या कार्य है, और इसे इंग्लिश में एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक ना। यही जो है हमारे आपातकालीन परिस्थितियों में हमारे हेल्प करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, याद कर लीजिएगा पिट्यूटरी के बाद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चलिए ये आप लोग देखिए, ये जो है आपका प्लांट्स हार्मोन है, ठीक ना।